इस्लामाबाद थाना क्षेत्र के मिर्चा त्रिमोहानी गांव के खेत में शुक्रवार सुबह मोहम्मद आजम नाम के एक युवक का हत्या कर फेंका हुआ शव मिला। युवक बीती रात 10 बजे मोबाइल पर कॉल आने के बाद से घर से निकला था और फिर वापस नहीं लौटा। सुबह उसका शव मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया है। गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के चाचा ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। देखिए, एक थाना निजामाबाद के ग्राम मिर्ची में एक डेड बॉडी मिली थी मोहम्मद आजम नाम लड़के की, जो कि 19-20 साल का है। और सुबह उसकी बॉडी मिली थी और जब उसके घर वालों से पता किया गया तो उसकी माँ द्वारा बताया गया कि रात्रि में एक फ़ोन 10:30 बजे आया था और ये उसे फ़ोन सुनकर वो चला गया था। डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया मौके पर, फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया और डॉग एक घर में गया जहाँ एक लेडी और एक 18-19 साल का लड़का रहता था जो कि घर से फरार है। उसके घर इस मृतक का आना जाना था। अभी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और ऑल डिटेल्स निकाली जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। डॉग स्क्वाड था तो की अहम भूमिका बताई जा रही है। देखिए, डॉग स्क्वाड मौके से जो घर से करीब 1 किलोमीटर दूर घर में गया और वहाँ पर इस मृतक का आना जाना था। उसका एक 19 साल का लड़का भी था, लेडी और लड़का गायब है और काफ़ी ये परिस्थितियाँ काफ़ी संदिग्ध हैं। और लेकिन अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही, साक्ष्य एकत्रित किया जा रहा है और बहुत जल्दी इसका अनावरण किया जाएगा। एक चीज़ हो रहा है का मामला आ रहा है। अब देखिए, ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन की है। जो भी इन्वेस्टिगेशन दौरान सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।